ब्रिटेन में एक बार फिर से रूस को उकसाया। रूस की संपत्तियां ब्रिटेन में जब्त की गई। ब्रिटिश विदेश सचिव, विदेश मंत्री कह लीजिए, एलिजाबेथ ट्रस, उनका बयान, रूस की सीज्ड प्रॉपर्टी से यूक्रेन को फिर से बसाया जाएगा। यूके देवनाथ जी, ये दोनों ही तरफ से एक दूसरे को शो डाउन करने वाला जो शो चल रहा है, ये किधर जा रहा है, इसकी परिणति क्या है? देखिए, फिलहाल दोनों ही पक्ष एक दूसरे को साइकोलॉजिकली डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि वह सही हैं और वह जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैकडोर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी चल रही है और नेटो और रूस दोनों ही एक दूसरे को एक छुपा हुआ एग्जिट पाथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, कि शायद राष्ट्रपति पुतिन ने यह हिंट दिया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं नेटो को तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो ये चाहते हैं कि नेटो की जो फोर्सेज हैं, खास तौर से नेटो की जो मिसाइल फोर्सेज है या न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वो स्वीडन में डिप्लॉय ना हो, ये खबर, ये बात अगर निकली है तो इस धुएं के पीछे कोई आग भी है या ये धुआं भी यूं ही है, ये भी जरा समझना बड़ा आवश्यक है। अमिताभ जी, ये सवाल आपके पास लेकर आने वाला हूं, लेकिन पहले ये खबर आपको बता दूं, फिनलैंड स्वीडन ने दुनिया को दिखाया दम। रूसी धमकी से बेफिक्र नेटो के लिए अप्लाई किया और नेटो जनरल सेक्रेटरी ने एप्लीकेशन मिलने की पुष्टि की। स्टोल्टनबर्ग ने कहा, फिनलैंड स्वीडन हमारे करीबी पार्टनर, पहले ही कह चुके हैं, विल मेक श्योर दैट द एंट्री इज स्विफ्ट एंड स्मूथ। ये उस जर्रे से पूछिए जो बॉर्डर के करीब कहीं है और खून देख रहा है, जहां सैनिकों का खून इस समय चारों तरफ बिखरा पड़ा है और सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। वो ट्रेनें जो सैनिकों की लाश लेकर लौट रही हैं, उनकी तरफ दुनिया का ध्यान कम है। जरा देखिए, बॉर्डर ऑफ ब्लड, पुतिन के गुस्से की वजहें क्या हैं? फिनलैंड स्वीडन का नेटो में अप्लाई करके बाकायदे शामिल होने के लिए अर्जी दे देना। और अब अमेरिका जा रहे हैं, कल गुरुवार को वहां पर मुलाकात है जो बाइडेन के साथ, दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फिनलैंड के राष्ट्रपति जा रहे हैं, स्वीडन की प्रधानमंत्री जा रही हैं और उनकी मुलाकात होने वाली है। फिनलैंड स्वीडन के पीएम राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स जाकर एक तरीके से यह समझा जा रहा है कि वहां डिक्टेशन लेने वाले हैं कि अब आगे क्या किया जाने वाला है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिका के 100 हथियार, न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात हैं, सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात हैं। कितना घातक है, कैसा है, आगे बताऊंगा। 1991 के बाद नेटो की वॉर एक्सरसाइज, ये बेहद खतरनाक और ये भी रूस को उकसाने वाला। क्या रूस कहीं रूस नेटो को और नेटो रूस को वाकई कोई एग्जिट पाथ देने के लिए आगे सोच रहे हैं? रूस के पड़ोसी मुल्कों में नेटो की फौज बढ़ती जा रही है, रूस को यह गवारा होगा क्या? खासतौर से पुतिन को गवारा होगा, जिन्होंने अपने लिए खुद एक रेड लाइन खींची हुई है। क्या उसको रेड लाइन को पार होते देख कर भी वो चुप रह जाएंगे आगे? अगर ऐसा होता तो यूक्रेन के संदर्भ में हो गया होता, और अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या अगला निशाना फिनलैंड भी होने वाला है? यह समझना बेहद आवश्यक। कुछ और इलैबोरेशन इस पर करते हैं और समझते हैं। अमिताभ सर, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कहीं एग्जिट रूट देने का कोई मन चल रहा है या ये अंदाजे हैं जो लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं चीजों को देखकर? देखिए, जो जिस तरह से ये प्रगति हुई है फिनलैंड और खासकर स्वीडन का नेटो का सदस्य का एप्लीकेशन देने का, उससे यूरोप में और प्रॉब्लम बढ़ गया है। जितनी अशांति अब तक थी यूरोप में रूस को लेके या रूस के पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रों को लेके, अब ये अशांति बढ़ गई है। स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों नेटो के साथ कोऑपरेट किया है इन्होंने, इराक में, अफगानिस्तान में इन्होंने सेना भेजी है, अपनी सेना भेजी है। फिनलैंड का इतिहास अगर हम देखें तो एक पूरा इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म फिनलैंडाइजेशन जो चला है, जिसके तहत सोवियत यूनियन के अंतर्गत इन्होंने एक तरह का कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी किया था। लेकिन वही शायद ये चाहते थे यूक्रेन से भी। लेकिन फिनलैंड में जो आज जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, और स्वीडन में जो हो रहा है, ये एक तरह का पूरे यूरोप को फिर से एक कोल्ड वॉर के स्टेज पे चला जाएगा। अगर वो उससे बुरा होता है तो कोल्ड वॉर से आगे भी जा सकता है, खासकर अगर फिनलैंड एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाता है। देखिए, उनका 1350 किलोमीटर का बॉर्डर है, नॉर्वे जो पहले से नेटो का सदस्य है उसका करीब 200 किलोमीटर का बॉर्डर है। एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए जो नॉर्थ पार्ट है रशिया का, वो पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गया है, आ जाएगा नेटो के, अगर वो मेंबर पूरी तरह से बन जाते हैं तो। यूरोप में अशांति बढ़ेगी, फिनलैंड स्वीडन का नेटो का सदस्य बनना उस अशांति को और बढ़ाएगा, और खासकर अगर रूस
यहाँ पे नहीं रुकता है, यानी यूक्रेन पे युद्ध करके नहीं रुकता है, तो वो हो सकता है फिनलैंड के साथ भी उनकी तल्खी बढ़े। इसमें फायदा किसका होगा? ऑब्वियसली इसमें फायदा वेस्ट का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि उनके लोग करीब आ रहे हैं। जो कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि असल में इसको आप बाकायदे एप्लीकेशन तक जाते हुए नहीं देखेंगे, ये बीच में रुकेगा, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है डायलॉग टेबल पर लाने के लिए, रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये क्या अभी, क्योंकि हो तो नहीं गए वो नेटो के मेंबर, क्या नेटो के मेंबर के तौर पर अप्लाई कर देने और वो जो बीच का वक्फा है वो भी क्या प्रेशर है? आखिर यूक्रेन के ही तरह इनको भी शामिल होते हुए हम देखेंगे नहीं, या ये होने वाला है? क्योंकि 2008 से इंतजार कर रहा है यूक्रेन, वैसा लंबा इंतजार होगा या वाकई इस मामले में जल्दी होगी? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।